एवरीवन, वेलकम बैक टू इंडियन सिंपल किचन। इंडियन सिंपल किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको बहुत ही हेल्दी और टेस्टी सा नाश्ता बनाना सिखाऊंगी, जो कि बिल्कुल विटामिन्स, प्रोटीन और फाइबर से भरा हुआ है। ये आपके लिए बहुत ही अच्छा है, तो ज़रूर इसे ब्रेकफास्ट में बना कर खाएं। तो ये हेल्दी सा नाश्ता कैसे बनता है, इसे जानने के लिए चलते हैं अपने किचन की तरफ और जानते हैं इस प्यारी सी और टेस्टी सी रेसिपी का राज। तो इस हेल्दी सी रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ले लिया है चावल। मैंने यहाँ पे चावल ले लिया है, ये चावल अरवा चावल है जिसे मैंने रात को भिगो दिया था। और मैंने यहाँ पे ले लिया है हरी मिर्च। मैंने यहाँ पे 3 से 4 हरी मिर्च ले ली है जिसे लंबे टुकड़ों में कट कर लिया है। और मैंने यहाँ पे ले लिया है न्यूट्रेला का सोयाबीन चूरा जिसे मैंने पानी में भिगो दिया था 1 घंटे पहले, जो कि अच्छे तरीके से फूल चुका है अभी। और मैंने यहाँ पे दही ले लिया है जो कि मैंने करीब 3 टेबलस्पून ले लिया है। तो सबसे पहले हम चावल को ब्लेंड कर लेते हैं अच्छे तरीके से। चावल को हमें पानी के साथ ब्लेंड कर लेना है गाइस, तो बिल्कुल इसे डूबने से भी कम पानी डालना है आपको। तो चलिए इसे ब्लेंड कर लेते हैं। तो चावल को मैंने पीस लिया है। मैंने यहाँ पे ले लिया एक बाउल, तो चलिए हमें इसे निकाल लेना है। तो मैंने इसे निकाल लिया है, आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। इसे बहुत ज़्यादा पतला हमें नहीं करना है। तो अब मैं इसमें दही को डाल दूँगी। दही हमारी बिल्कुल जमी हुई है, तो इसे मैं चावल के साथ में मिक्स कर दूँगी। अब मैं इसमें डाल दूँगी सोयाबीन का चूरा। ये देखिए, आप इसे चाहें तो बॉयल भी कर सकते हैं, बट मैंने इसे पानी में भिगो दिया था 1 घंटे पहले और ये बिल्कुल अच्छे तरीके से फूल चुका है। अब मैं इसमें ग्रीन चिल्ली डाल दूँगी। तो हरी मिर्च आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, ज़्यादा तीखा खाते हैं तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड कर दिया है। तो चलिए इसे मिक्स कर लेते हैं। अभी ये बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा है, इसे हमें थोड़ा पतला कर लेना है। तो बिल्कुल हमें इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। ये देखिए, अभी भी ये बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा है, इसमें हमें थोड़ा सा पानी मिलाकर इसे थोड़ा पतला कर लेना है। तो तवा हमारा अच्छे तरीके से गर्म हो चुका है। मैंने यहाँ पे ऑयल को स्प्रेड कर दिया है। ये देखिए, मैंने इसे थोड़ा पतला कर दिया था ताकि ये अच्छे तरीके से तवे पे फैल जाए। हमें इसे चारों साइड में तवे पे इस तरीके से फैला देना है गाइस। आप चाहें तो इसे छोटा छोटा भी बना सकते हैं, बट मैंने यहाँ पे बिल्कुल तवे के साइज़ का इसे तैयार किया है ताकि हम इसे कट करके सर्व करें। तो हमें इसे बिल्कुल क्रिस्पी होने तक सिकने देना नीचे से, और ऊपर से मैं ऑयल को इस तरीके से स्प्रेड कर देना। ये देखिए, इसका कलर चेंज हो चुका है गाइस, आप देख सकते हैं। हमें इसमें ऊपर से ऑयल इसलिए डालना है कि जब हम इसे पलटें तो इसे हमें ऊपर से ज़्यादा ऑयल डालने की ज़रूरत ना हो और बीच में ये बिल्कुल भी कच्चा ना रहे। तो ये देखिए, चलिए ये नीचे से अच्छे तरीके से पक चुका है, इसे पलट लेते हैं। तो बहुत ही सावधानी के साथ हम इसे पलट लेंगे। ये देखिए, बहुत ही अच्छे तरीके से ये तैयार हो चुका है और ये बिल्कुल भी टूटा नहीं है। जिस तरीके से हम डोसा को पकाते हैं उसी तरीके से हमें इसे भी पका लेना है। तो थोड़ा सा ऑयल हम इस तरीके से किनारों में दे देंगे। तो ये देखिए, इसे मैंने पलट लिया और इसका जो कलर है वो काफ़ी अच्छा आ चुका है गाइस। अब बहुत ही टेस्टी सा हमारा जो नाश्ता है वो तैयार हो चुका है। तो चलिए इसे कट कर लेते हैं। तो मैंने इसे कट कर लिया है, अब मैं इसकी प्लेटिंग कर लूँगी। तो मैंने इसे सर्व कर लिया, आप देख सकते हैं मैंने इसे 4 टुकड़ों में काट लिया है। इसे आप चाहें तो किसी भी चटनी के साथ या दही के साथ में सर्व कर सकते हैं। काफ़ी टेस्टी लगता है और बहुत ही हेल्दी सा नाश्ता है। तो इसे अपने मॉर्निंग में ज़रूर शामिल करें, काफ़ी जल्दी तैयार हो जाता है और बहुत ही विटामिन से भरपूर है, जो आपकी सेहत के लिए बहुत ही अच्छा है गाइस। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी और आपने इसे किस तरीके से बनाया है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस ज़रूर करें, जिससे आपको मेरे हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन बहुत इजली मिल जाएगी। तो मिलती हूँ आपके साथ में ऐसी ही आसान सी और बिल्कुल घरेलू सी रेसिपी को लेकर के। टिल देन, बाय बाय गाइज़।